हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी में बड़े अपराधियों के खिलाफ करीब 6 महीने से हथौड़ा चल रहा है। कल अपराध विरोधी अभियान का 176वां दिन था। यूपी के अलग अलग जिलों में प्रशासन अब तक भूमाफियाओं के 850 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति पर या तो बुलडोजर चला चुका है या कुर्की हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं, गैंगस्टर और जेल से अपना साम्राज्य चलाने वाले अपराधियों के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े विरोधी अभियान को आज 176 दिन पूरे हो गए, जिसमें अब माफिया और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसकी गैंग के सक्रिय सदस्य मुबारक खान पर प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर चला। भारी पुलिस बल और 4 जेसीबी मशीनों की मदद से करेली थाना क्षेत्र के बख्शी मोड़ा गांव में करीब 800 गज में बनी इस 3 मंजिला इमारत को जमींदोज किया गया। विकास प्राधिकरण का कहना है कि इसके लिए ना तो कोई नक्शा पास कराया गया था और ना ही निर्माण के लिए सरकारी अमले से किसी तरह की मंजूरी ली गई थी, इसी वजह से इसे अवैध निर्माण घोषित किया गया। गैंगस्टर मुबारक खान के परिजनों ने कार्रवाई का विरोध किया, पुलिस ने पीछे हटा दिया। ये स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी निर्णय है, पूरे प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, स्ट्रीट शीटरों में कठोर वैधानिक कार्रवाइयां की जाए, उसी क्रम में आज प्रयागराज में ये कार्रवाई की जा रही है। लगभग 800 वर्ग गज में अवैध निर्माण कराया गया था, आज इसको हम लोग पूरा डिमोलिश करवा रहे हैं, पूरा ध्वस्त करवा रहे हैं। मुबारक खान की ये इमारत एक कब्रिस्तान की जमीन पर खड़ी की गई, कई और अवैध इमारतें भी हैं, उस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। पहले ये बिल्डिंग कराएंगे, कुछ और बिल्डिंग भी चिन्हित हुई थी, वो देखेंगे, टाइम के पे डिपेंड करेगा कि और कितनी करवाएंगे। आज एज ऑफ नाउ इसको तो डिमोलिश करा ही देंगे और अगर और समय बचेगा तो अन्य भी डिमोलिशन करेंगे। 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में आरोपी मुबारक खान की कुंडली संवाददाता मोहम्मद मोइन से सुनिए। विकास प्राधिकरण का कहना है कि इसके लिए ना तो कोई नक्शा पास कराया गया था और ना ही निर्माण के लिए सरकारी अमले से किसी तरह की मंजूरी ली गई थी। 28वीं कार्रवाई है जो माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अंजाम दी जा रही है। तो अवैध संपत्तियों से बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उन्हें इसी तरह से जमींदोज किया जाता रहेगा।